हाउ टू मेक नेदरराइट आर्मर इन माइनक्राफ्ट 1.20। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले नेदरराइट आर्मर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक डायमंड आर्मर लगेगा, ताकि भाई आप लोग उसे इजीली जो है नेदरराइट में कन्वर्ट कर सको। तो गाइस डायमंड आर्मर आते आपको जाना होगा भाई नेदर के अंदर में, और नेदर के अंदर में आपको दो बातें जरूर से याद रखनी होगी कि आपको पहली बात यहाँ पे करना है भाई एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग, और एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग के लिए आपको यहाँ पे वाई लेवल 16 पे जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जब भी भाई आप लोग माइनिंग पर जा रहे हो तो अपने से कम दो पिकैक्स और एक ग्रेवल जरूर लेके आना, क्योंकि भाई माइनिंग के टाइम पे तुम्हें यहाँ पे कई सारा ग्रेवल देखने को मिलेगी, जो कि तुम्हें कई सारा डिस्टर्ब करेगी और साथ में तुम्हारा कई सारा टाइम भी वेस्ट करेगी। तो अपना टाइम सेव करने के लिए तुम यहाँ पे शवल लेके आ सकते हो, ताकि तुम लोग फास्ट वे में माइनिंग कर सको। और गाइस हमारे पास इन टोटल भाई गेम के अंदर में 3 मेथड्स हैं एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए, जिनमें से हमारा सबसे पहला मेथड है वो है यहाँ पे भाई सिंपल वाली स्ट्रिप माइनिंग। उसके लिए हमें सिंपली वाई लेवल 16 पे जाके अपनी पिकैक्स की मदद से एक स्ट्रेट लाइन पे डिक करना होता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं हमें यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर पहले ही बता दूं, ये मेथड उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड भी है। पर अगर आपको बाय चांस किसी एक पॉइंट पे एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है तो भाई उसको लेके बस आगे मत चले जाना, तुम्हें जो है उसी एरिया में और भी डिक करना होगा, ताकि तुम्हें वहां और भी ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिल सके। क्योंकि यार अगर हमें किसी पॉइंट पे एंशिएंट डेब्रिस मिलता है तो भाई बहुत ही ज्यादा परसेंटेज के चांसेस रहते हैं कि हमें उसके आसपास और भी एंशिएंट डेब्रिस देखने को मिल जाए। तो गाइस ये था हमारा मेथड नंबर, और गाइस जो हमारा मेथड नंबर सेकंड है भाई वो है यहाँ पे हमारा बेड माइनिंग। और बेड माइनिंग लिटरली वन ऑफ द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड है, साथ में ये तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी एंशिएंट डेब्रिस प्रोवाइड भी करा देगा। इसके लिए भाई तुम्हें सिंपली बेड लेके आने हैं, और बेड के लिए यहाँ तुम्हें वूल चाहिए होगी और वुड चाहिए होगी, जो कि तुम्हें इजिली अपने ओवरवर्ल्ड में प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे तुम्हारे पास ये दोनों सामान कलेक्ट हो जाए, उसके बाद तुम्हें सिंपली जो है कुछ नहीं करना, तुम्हें वापस से वाई लेवल 16 पे स्ट्रेट लाइन में डिक करना है, और स्ट्रेट लाइन में डिक करने के बाद तुम्हें जो है सिंपली एक बेड को करना है, अपने आगे दो ब्लॉक लगाने फॉर सेफ्टी पर्पस, और यहां पर जो है तुम्हें सिंपली बेड पे टैप कर देना है। जैसे भाई तुम लोग बेड पे टैप करोगे तुम्हारा बेड ब्लास्ट हो जाएगा, और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होगा जो कि भाई सारे एंशिएंट डेब्रिस को तुम्हारे सामने एक्सपोज कर देगा। तो तुम्हें सिंपली भाई उन्हें कलेक्ट कर लेना है, और ये भाई हमारे लास्ट मेथड से बहुत ज्यादा फास्ट है। और भाई इस मेथड को तुम लोग जब यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास भाई ज्यादा रिसोर्सेज ना हो या फिर TNT वगैरह तुम्हारे पास नहीं है। और भाई पहले ही बता दूं, इस मेथड के अंदर एक रिस्क भी रहता है कि यहाँ तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो कम से कम अपने पास एक डायमंड आर्मर जरूर पहन के आना और अपने संग एक शील्ड जरूर कैरी कर लेना, ताकि तुम्हें डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके ये सब चीजें। और गाइस जो हमारा थर्ड मेथड है भाई वो है यहाँ पे सिंपल TNT माइनिंग, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड है, क्योंकि भाई तुम्हें इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे सिंपली एक वाई लेवल 16 पे स्ट्रेट लाइन डिक करनी है, जैसे हम लोग पहले भी करते आ रहे थे। और यहाँ जो तुम्हें भाई एक एक ब्लॉक के गैप में TNT प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। और भाई यहाँ पे TNT बनाने के लिए तुम्हें गन पाउडर और सैंड दो चीजें लगती हैं, जिनमें से भाई गन पाउडर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फार्म बना रखा है हमारे चैनल पे, पूरी वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगी, और इस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम लोग इस वीडियो के बाद जाके उसे देख सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हें सिंपली TNT माइनिंग के लिए TNT को एक एक ब्लॉक के गैप में प्लेस करना है, और तुम्हें जैसे तुम लोग एक एंड पॉइंट पे आ जाओ तुम्हें वहां पे फ्रिंट लगा देना है, और फ्रिंट करते ही तुम्हारे सारे TNT ब्लास्ट होना चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे ब्लास्ट होंगे भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करेंगे, और तुम्हें डैमेज भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस साथ साथ में तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू हमारा बेड माइनिंग वाला मेथड और यहाँ पे सिंपल स्ट्रिप माइनिंग वाला मेथड। और भाई ये मेथड को तुम्हें बस रिपीट करते जाना है, कभी कभार तुम्हारी जो है भाई TNT की चेन रुक जाएगी, पर तुम्हें उसे वापस से ब्लास्ट करना होगा ताकि तुम्हें ज्यादा TNT मिल सके। और भाई यही थे हमारे आज के 3 मेथड जिनसे भाई हम लोग एंशिएंट डेब्रिस माइन कर सकते हैं। पर रुको रुको, इतना काम बस भाई हम लोग 1.20 तक करते थे, पर 1.20 के अपडेट के बाद से तुम्हें यहाँ पे एक और नया आइटम कलेक्ट करना पड़ेगा अपने नेदरराइट आर्मर को बनाने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं भाई स्मिथिंग टेम्पलेट। और ये स्मिथिंग टेम्पलेट भाई एक नया आइटम है जो कि 1.20 में तुम्हें दिया गया है, और ये आइटम तुम्हें भाई बैशन के अंदर में ही देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें वापस से नेदर में आके बैशन को फाइंड करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसके अंदर पिगलिन से लड़ते हुए यहाँ पर जो है अपने लिए स्मिथिंग टेम्पलेट कलेक्ट करना होगा। अगर बाय चांस तुम्हें एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम लोग इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्राफ्टिंग टेबल पे आना है, और क्राफ्टिंग टेबल के अंदर तुम्हें जो है कुछ डायमंड्स साथ में अपना स्मिथिंग टेम्पलेट और एक नेदर रैक को प्लेस करना है। और तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा जो स्मिथिंग टेम्पलेट है वो डुप्लीकेट हो चुका है। और भाई इस तरीके से तुम लोग भाई कितने भी स्मिथिंग टेम्पलेट बना सकते हो, तो भाई अब से तुम्हें ये करना पड़ेगा, और इस तरीके से तुम लोग जो है अपना नेदरराइट आर्मर पूरा बना सकते हो, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। बाकी गाइस तुम लोग फटाफट से कमेंट में जरूर से बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये तुम्हें बिल्कुल हेल्पफुल लगी है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाकर तुम लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी मिलता हूं मैं तुम्हें किसी और वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ। और पहले कह रहा हूं 1.20 के आने से पहले नेदरराइट आर्मर बना के रख लो।